ये देख कुकू मेरी उड़ी बाबा, ये तो उड़ी बनबील चला रहा हूँ मैं तो। ये देख मम्मा मुझे भी बाइक चलानी है, मेरे सारे दोस्त बाइक चलाते हैं और बाइक रेस करते हैं। अभी नहीं बेटा, आप जब तक 18 महीने के नहीं हो जाओगे तब तक आपको बाइक नहीं मिलेगी। अरे मम्मा मेरे सारे दोस्त चलाते नहीं ना, तभी कुकू के पापा की बाइक का हॉर्न बजता है। ये मेरे पापा आ गए, मेरे पापा बाइक लेके आ गए। पापा मुझे भी बाइक सिखाओ ना, मेरे सारे दोस्त बाइक चलाते हैं और बाइक रेस करते हैं, सिर्फ एक मैं ही अकेला हूँ जो बाइक रेस नहीं करता हूँ। कुकू बेटा कल मैं आपको बाइक चलाना सिखाऊंगा, कल मेरी छुट्टी है ना, मैं आपको बाहर लेकर चलूंगा, आपको बाइक चलाना सिखाऊंगा, बाइक कैसे चलाते हैं, बिल्कुल परेशान मत हो। उसके बाद आप अपने सारे दोस्तों को भी दिखाना कि आप कैसे बाइक चलाते हो। ये कुकू बाइक चलाने की जिद कर रहा था ना, आपसे भी यही बोला होगा ना, कहीं कोई नहीं जाएगा ठीक है, आप इसे बाइक चलाना नहीं सिखाएंगे वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, कहीं इसका एक्सीडेंट हो गया बाइक से तो फिर क्या करोगे। ये बिल्कुल भी बाइक नहीं चलाएगा, सुन लिया ना आपने। उसके बाद अगले दिन कुकू के पापा उसे एक सुनसान जगह पर ले जाते हैं, वहाँ वो उसे बाइक चलाना सिखाते हैं। बेटा ध्यान से हैंडल पकड़ो। कुकू बाइक चलाना सीख रहा है लेकिन आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो ना, और वीडियो को लाइक भी कर दो, प्लीज प्लीज कर दो ना। ये रही क्लिच, ये रही ग्यार, अब धीरे धीरे चलाओ। कुकू उसे चलाना सीख जाता है और बहुत खुश होता है, पापा मैं भी बाइक चलाना सीख गया तो मजे आएंगे, मैं भी दोस्तों को दिखाऊंगा मैं भी बाइक चला लेता हूँ, पापा आपने तो मुझे बाइक सिखा दी, थैंक यू पापा आपने मुझे बाइक सिखा दी, मजा आ गया मैं तो बाइक चलाने लगा। कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। एक दिन कुकू नदी के किनारे घूम रहा था, जग्गू बहुत तेज बाइक चलाता हुआ वहां पर आता है, उसके साथ मिट्टू भी होता है। ये देखो इसे तो बाइक चलाना नहीं आता, देखो हम कितनी शानदार बाइक चलाते हैं, हमसे अच्छी कोई बाइक चला ही नहीं सकता, मैं तो वन व्हील बाइक चलाता हूँ, तेरी हिम्मत है चलाने की, मेरे पापा ने मुझे बाइक चलाना सिखाई है ठीक है जग्गू। कुकू ऐसा जग्गू से कहता है और कहता है मेरी माँ ने मुझे बाइक चलाने से मना किया है, वरना मैं भी तुम्हें बाइक चला के दिखाता है, तुझे कुछ नहीं आता बाइक वाइक चलाना ठीक है। ये देख कुकू मेरी उड़ी बाबा, ये तो उड़ी बनवील चला रहा हूँ मैं तो। ये देख जग्गू और मिट्टू बनवील पर बाइक चलाने लगते हैं, जैसे ही वो बनवील पर चलाते हैं उन दोनों की आपस में टक्कर हो जाती है, वो धड़ाम से गिरते हैं और उनके शरीर से खून निकलने लगता है। कुकू ये सब देखता है तो वो उन्हें उठाता है और धीरे धीरे बाइक चलाता हुआ उन्हें हॉस्पिटल ले जाता है और हॉस्पिटल में भर्ती कराता है। डॉक्टर कुकू से कहती है बेटा अगर आपने एक मिनट भी लेट किया होता ना तो इनका बहुत ज्यादा खून बह गया था, ये लोग मर भी सकते थे। गौरी वहाँ पे आती है, कुकू बेटा आप तो बहुत ज्यादा अच्छे हो, आपने मेरे बेटी की जान बचाई, लेकिन आपको तो बाइक चलाना नहीं आता था, आपने कैसे बाइक चलाई। अरे मेरे पापा ने मुझे बाइक चलाना सिखा दी थी इसलिए मैं उन्हें जल्दी से बाइक पे बिठा कर यहाँ पर ले आया। तभी वहाँ पर टूनी आती है और गौरी उससे कहती है बहन अगर आज आपका बेटा नहीं होता ना, बाइक एक्सीडेंट में मर ही गया था, आपकी बेटे की बाइक चलाने की वजह से ही मेरा बेटा बच गया था। तो टूनी चौंक जाती है लेकिन उसका पति उसे सब समझा देता है कि मैंने कुकू को बाइक चलाना सिखा दिया था इस वजह से जान बच गई। टूनी मन ही मन बहुत ज्यादा खुश होती है लेकिन वो अपने बेटे से कहती है बेटा जब तक आप 18 महीनों के नहीं हो जाओगे तब तक आप बाइक नहीं चलाओगे और बाइक को हाथ भी नहीं लगाओगे। ठीक है मम्मा मैं 18 महीने के होने के बाद ही बाइक को चलाऊंगा, दोस्तों हमें कभी भी तेज रफ्तार से बाइक नहीं चलाना।